नमस्कार, प्रतीक्षा रेसिपी में आपका स्वागत। आज मैं आपको नान की रेसिपी दिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हम तंदूर या फिर ओवन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे तवे पे बनाएंगे। तो नान बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। और रेसिपीज़ के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल प्रतीक्षा रेसिपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर ही क्लिक करें, उससे आपको मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। एक कटोरी मैदा, तो यहाँ पे मैंने पहले इसे अच्छे से छान कर लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें। फिर ये एक टीस्पून पीसी हुई शक्कर है, ये भी इसमें ऐड कर दें। एक टीस्पून बेकिंग सोडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दें। अगर आपके पास बटर है तो बटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आधी कटोरी दही ऐड किया। दही से हमारा जो डो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, मतलब इसकी साइज़ डबल हो जाएगी। अगर आपके पास ईस्ट है तो ईस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं दही के जगह पे। तो 2 टेबलस्पून गुनगुना पानी में 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करें और अच्छे से डिजॉल्व करें और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दें। तो हम इसे विदाउट ईस्ट बनाएंगे, तो इसे पहले अच्छे से मिला दें। और फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी इसमें ऐड कर दें और फिर अच्छे से मसल लें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएं, एकदम से ना डालें। और फिर इसे अच्छे से मसल के एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी का डो बना लें। अब यहाँ पे ये डो अच्छे से गूंद के तैयार हो गया है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी और फिर से इसे अच्छे से मसल लूँगी। ये देखिए, ऐसे हम जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही कंसिस्टेंसी का यहाँ पे हमें बनाना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया हाथ पे और फिर इसे अच्छे से मसल लूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग और भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब डो अच्छे से गूंद के यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अब यहाँ पे मैंने सूत का कपड़ा गीला करके लिया है। अब इससे मैं इसे ढक दूंगी। आप चाहे तो मलमल का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे ऐसे ढक दें और फिर गर्म जगह पर रख दें। अब 5 घंटे के बाद मैंने इसका ये ढक्कन निकाल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डो अच्छे से फर्मेंट हो गया है, मतलब इसकी साइज़ और भी इंक्रीज़ हो गई है। कंपलसरी नहीं है कि ये डो आप 5 या 6 घंटे के लिए ही साइड को रख दें, आप इसे 2 या फिर 3 घंटे के बाद भी ले सकते हैं नान बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेल से इसे फिर से अच्छे से ग्रीस कर लिया। तो नान बनाने के लिए डो हमारा परफेक्टली रेडी है। तो यहाँ पे मैंने चकला लिया और हम इस पे इसे बेल लेंगे। और थोड़ी सी कलौंजी ली है, मतलब प्याज के बीज है। अब हल्का सा ऐसा मैदा चकले पे छिड़क दे और फिर थोड़ा सा गोला ले और हाथ पे ऐसे ऐसे राउंड कर ले। ये देखिए ऐसे। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही इसे बेल लेंगे और बीच बीच में मैदा यूज़ करें ताकि ये नीचे चकले को चिपके नहीं। अगर आपको गोल आकार पसंद है तो आप इसे गोल बना सकते हैं, लेकिन नान जो है वो ओवल शेप का होता है, मतलब अंडा आकृति का होता है, तो मैं भी इसे वैसे ही शेप में बनाऊंगी। अब इस नान पे ये कलौंजी को ऐसे स्प्रेड कर लें, अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दें और फिर ये देखिए ऐसे ऐसे टैप कर लें। और फिर से हम इस पे ऐसे बेलन हल्का सा फेर लेंगे
ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ऊपरी हिस्से को हाथ पे रख दे और नीचे वाले को अच्छे से पानी से ग्रीस कर लें। ये देखे ऐसे चारों ओर से अच्छे से स्प्रेड कर लें। तवा यहाँ पे मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, जिस तरफ से हमने पानी लगाया था उसको तवे पे डाल दें। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का तवा यूज़ किया है, आप चाहे तो लोहे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉनस्टिक का तवा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। थोड़े ही देर में इसके ऊपर ऐसे बबल आते हुए नज़र आएंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर अच्छे से बबल आने के बाद हम इसे इस तरह इसे उल्टा करेंगे और ऊपर के हिस्से को ऐसे फ्लेम पे सेक लेंगे। धीरे धीरे हमें इसे सेक लेना है जिससे नान हमारा जलेगा नहीं। एल्यूमिनियम या फिर लोहे का तवा यूज़ करने से नान अच्छे से चिपकता है, अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। स्पैचुला की मदद से इसे निकाल लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्टली ये पक गया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके बचे हुए डो के यहाँ पे मैंने नान बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टीस्पून देसी घी और थोड़ा सा धनिया पत्ता काट कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसका लेप इस नान को देंगे, ये देखिए इस तरह इसे ग्रीस कर लें। मैदा आपको अगर पसंद नहीं हो या फिर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इक्वल क्वांटिटी में मैदा और गेहूं का आटा लेकर भी नान बना सकते हैं, या फिर स्पेशली गेहूं का आटे की भी सेम प्रोसेस फॉलो करके नान बना सकते हैं, वो भी एकदम बढ़िया लगते हैं टेस्ट में। ग्रीस करने के लिए यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी स्किप कर सकते हैं, वैसे भी ये नान एकदम मस्त लगता है टेस्ट में। होटल में इस नान को पनीर, छोले ऐसे बहुत सारे पंजाबी डिशेस के साथ सर्व किया जाता है, आप अपनी पसंद से इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी तवा नान की रेसिपी बनकर एकदम से तैयार है, आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।